हेलो फ्रेंड्स, मैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने आई हूँ। यूपीपीएससी ने कुछ नई सूचनाएं, कुछ नई अपडेट्स जारी की हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये सूचनाएं हैं इस प्रकार हैं, जैसे कि यूपीपीएससी परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीएससी परीक्षा 2017 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसका परिणाम फरवरी 2019 में जारी करने की घोषणा की है। इन्होंने खुद ये अपने अमर उजाला न्यूज़पेपर में खुद के इंटरव्यू में जारी किया है कि हमने जो ये आई थिंक परीक्षा जून में हुई थी, जून 2017 में मुख्य परीक्षा हुई थी और इसका परिणाम इन लोगों ने कहा है कि फरवरी 2019 में जारी करेंगे। शुक्रवार को यूपीपीएससी में प्रदर्शन करने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को आयोग के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया। साथ ही ये कहा कि राज्य अभिनियंत्रण सेवा परीक्षा 2013 के तहत सहायक अभियंता के 900 से अधिक पदों पर भर्ती का परिणाम 8 दिसंबर से पहले घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि बहुत सारे परीक्षा परिणाम रोके हुए थे, तो कुछ धीरे धीरे ये लोग जब इनकी कोरम जब इन लोगों का पूरा हो गया तो इन लोगों ने धीरे धीरे जो भी परीक्षा परिणाम जारी करने हैं वो करने शुरू कर दिए हैं। ये इनका पहला मतलब कि अपडेट आई है इस समय। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ और भी जो आरओ की 2017 के परीक्षा के परिणाम थे उसके संबंध में है, और पीएससी 2018 जो अभी हुई है एग्ज़ाम उसका जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे अपडेट्स दिए हैं। अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया है कि आरओ 2017 की प्रारंभिक जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम 10 दिसंबर से पहले घोषित कर दिया जाएगा। पीएससी 2018 की मुख्य परीक्षा का मॉडल पेपर जो बहुत सारे छात्र मांग कर रहे थे, तो अफसरों ने कहा है कि यह परीक्षा यूपीएससी के तर्ज पर होगी। तो इन्होंने ये खबर दे दी है कि जैसे यूपीएससी में परीक्षा होती थी तो वैसे ही परीक्षा यूपीपीएससी में मेंस, जो अब नया सिलेबस आया है, पैटर्न आया है, जिसकी हम तैयारी अपने चैनल पर करवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही पेपर होगा। इसी को आधार मानकर प्रतियोगी छात्र मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, तो यूपीपीएससी का जो मॉडल पेपर है उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर होगा। तो हम लोगों को अब लास्ट यूपीएससी के जितने भी पेपर आए हैं मेंस के, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। लोगों ने अपडेट दे दी है। एक और खबर छपी है, मैं आपको ले चलती हूँ इसकी वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूपीपीएससी ने जो कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विस 2016 में एग्जाम हुए थे उसके इंटरव्यू लेटर को यहाँ जारी किया है। ये आप यहाँ क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा, कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म है ये, तो आप फिल करके अपना इंटरव्यू कॉल लेटर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ यूपीएससी ने जारी की हैं, ओला से रिलेटेड एग्ज़ाम जो हुआ था 2017 से रिलेटेड, और जो अभी मेन परीक्षा हो रही है। प्रतियोगियों का बहुत सारे डाउट्स हैं कि एग्ज़ाम मेन पेपर कैसा आएगा, एमपीपीएससी के तर्ज पर आएगा या यूपीएससी के तर्ज पर आएगा। तो अब से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पेपर हमारा यूपीएससी के तर्ज पर आएगा, तो हम लोगों को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी चाहिए। तो इसी सीरीज़ में हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे और अपनी सीरीज उसी यूपीएससी के तर्ज पर, उस यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही लेकर चलेंगे। इसीलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी GS1, GS4, हिस्ट्री ये सब पेपर मैं तैयार करवा रही हूँ। धीरे धीरे हम GS2 और GS3 की तरफ भी बढ़ेंगे, पहले GS1 और GS4 हम कंप्लीट कर लें। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने लाती रहूँगी। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।